रूपा जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मंडियों में तो देख रहे हैं कि लगातार जो कीमतें हैं अट्रैक्टिव बनी हुई हैं। बस बीते 2-3 दिनों में अभी जो प्राइसेस से थोड़े डाउन गए थे, क्योंकि मंडियां 2 दिन तक बंद थी, उसके बाद से आवकों का प्रेशर बना तो इसलिए प्राइसेस थोड़े डाउन गए। लेकिन किसानों को अभी भी ऐसी उम्मीद है कि जो सोयाबीन है 9,000-10,000 के आंकड़े दिखा सकती है, क्योंकि अमेरिकी सोयाबीन वायदा देख रहे हैं लगातार $1,650 के ऊपर सस्टेन है, $1,700 के बेहद करीब है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन 9,000 या उसके ऊपर भी कीमत दिलाती नजर आ सकती है? देखिए अभी फिलहाल जो है मंडियों में जरूर इम्पैक्ट आया है सोयाबीन की कीमतों के ऊपर, प्राइसेस जो है ऊपरी स्तरों से फिसले हैं, और अभी जो है प्राइसेस जो है वो तो छुट्टी का भी माहौल था रहा है, इस वजह से भी गिरावट देखने को मिली, और आगे भी जो वीक है उसमें भी मंडियां कुछ दिन बंद रहेंगी होली के चलते, तो मुझे लगता है कि दबाव जो है फिर आगे चलकर अराइवल बढ़ने से देखने को मिल सकता है। लेकिन विदेशी बाजारों में अभी भी मार्केट तेज है, और 1700 से लेकर 1750 तक ऊपर सोयाबीन एक बार इंटरनेशनल मार्केट में जाती हुई दिखाई दे सकती है, और उसका असर घरेलू बाजारों पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और आगे चलकर जो एडिबल ऑयल का भी जो स्नेजो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आगे एक पॉजिटिव मार्केट जो है वो बना रह सकता है, गिरावट फिलहाल यहाँ से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी